Hey champs, welcome to एकाग्रता CA YouTube channel. मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त. करता हूं आप सभी का स्वागत एज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता एजुसर्फ प्राइवेट लिमिटेड. सो यार, CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 की एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है और जैसे जैसे एक एक दिन करके निकलता जा रहा है, एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जानी चाहिए. हाँ जी. सो यहाँ पर आप इस चैनल पे देख रहे हैं अमेजिंग सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वो सभी बच्चे जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए लेके आए आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच. यार आपको पता होना चाहिए कि आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी रिसोर्सेज फॉर एनी एंड एवरी सीए स्टूडेंट्स. सो हमारी एकाग्रता के ऐप पर चल रही है एक डेडिकेटेड बैच जिसका नाम है मिशन सक्सेस बैच, जहाँ पे हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को करा रहे हैं और एक स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड करवा रहे हैं. अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी ज्वाइन कर लीजिए. मैं फिर से बता रहा हूँ, दुर्घटना से देर भली सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 ओल्ड सिलेबस की आखिरी एग्जाम है. और अगर ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया तो माँ कसम इतना पढ़ना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते. अगर आप जानना चाहते हैं कितना पढ़ना पड़ेगा तो मैं आपको सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ. मेरी लाइफ में मैं ये तीन सक्सेस मंत्रास को फॉलो करता हूँ, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस. और आप भी इसे फॉलो कीजिएगा. इंपॉर्टेंट न्यूज, गुड न्यूज लेकर आ रहा हूँ कि 9th और 10th दिसंबर को दिल्ली के गालिब ऑडिटोरियम में फ्री 2 दिन का हम लोग करने वाले हैं फेस टू फेस मैराथन फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स मैथ्स एंड लॉ. तो इंतजार किस बात का है, फटाफट इसी चैनल को फॉलो करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिटेल अनाउंसमेंट आएगी, रजिस्ट्रेशन चालू होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होने वाली है. इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक कंपैरिजन दे देता हूँ न्यू वर्सेस ओल्ड सिलेबस का. जो अभी आप सिलेबस देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो है सीए फाउंडेशन का ओल्ड सिलेबस. ओल्ड सिलेबस के अंदर जब नया सिलेबस आएगा मई 24 जून 24 पहली एग्जाम, तो कौन से चैप्टर्स प्लस हो रहे हैं, कौन से चैप्टर्स माइनस हो रहे हैं. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है, एग्जिस्टिंग सिलेबस से 4 टॉपिक्स माइनस हो रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सोग्रा एंड कंसाइनमेंट अकाउंट. लेकिन अगर आप राइट साइड में देखेंगे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो नए टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स दैट आर एडेड. सो यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम ऐड हुआ है, पार्टनरशिप में एलएलपी अकाउंट्स ऐड हुआ है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ऐड हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऐड हुआ है, एंड कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और उसके अलावा यहां पर आया अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू. सो हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिसंबर 23 की एग्जामिनेशन अगर क्लियर नहीं किया है तो भाई साहब काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा और शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है. बट वो जो भी होगा मैं आपके साथ था हूं रहूंगा, कहता था कहता हूं कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. हम लोग ये जो सीरीज देख रहे हैं, ये आज इस सीरीज का हमारा कौन सा लेक्चर नंबर है भाई, कहां पे गया ट्रैकर, ये रहा हमारा ट्रैकर. इसकी लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, यहां पर आप देखेंगे तो ट्रैकर बनाया गया है. यस. सो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10. पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं. जो बच्चे आज से ज्वाइन हुए उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर मई 2018 का पीवाईक्यू कर लिया है, दिसंबर 2020 का पीवाईक्यू भी कर लिया है. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई 2021 का पीवाईक्यू. वेल रियली स्पीकिंग ओल्ड सिलेबस की 11 एग्जाम्स अभी तक हुई है. इन 11 एग्जाम्स में से जो सबसे ट्रिकीएस्ट पेपर था वो था जुलाई 21 का. वेल अभी दिसंबर 20 का भी जो हम पेपर खत्म करके आए वो भी काफी अमेजिंग था. जो भी बच्चे मेरे साथ थे उन लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा. सीरीज के अंदर मैं करता हूँ क्या, आपको आपके साथ में बैठकर मैं पेपर सॉल्व करता हूँ. ये रहा जुलाई 21 का पेपर, इसको सॉल्व करता हूँ. ये रहा मेरा राइटिंग पैड, इसको सॉल्व करते हैं. इसमें से क्लास वर्क मिलता है, इसमें से ही होमवर्क मिलता है. हम लोग पेपर वाइज जा रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं जा रहे. तो उससे फायदा ये होता है कि आपके ब्रेन को शिफ्ट करने का मौका मिलता है कि अभी एक चैप्टर का क्वेश्चन किया है, फिर दूसरे चैप्टर का, फिर तीसरे चैप्टर का. सो यू गेट अ चांस टू चेक एंड सी दैट हाउ फास्ट इज योर ब्रेन रिस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स, है ना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. करें शुरू, तैयार है सभी लोग? चलिए अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए सभी जने फटाफट, और फिर करते हैं आज की हमारी दुकान चालू. पेपर्स कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ये देखिए, गूगल ड्राइव फोल्डर पे सब कुछ मिलेगा. यहाँ पे MTPs है, PYQs है. PYQ के अंदर क्वेश्चन पेपर अलग है, सजेस्टेड आंसर अलग है. RTPs है, अभी तक जितनी भी RTPs आई है सारी के सारी RTPs है यहाँ पर आपके पास. और फिर स्टडी मॉड्यूल है, उसके बाद में ट्रैकर बना हुआ है. सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा, सब कुछ. चलिए जुलाई 2021 का पेपर करते हैं शुरू. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट. गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस
are not recorded as credit sales initially when they are sent out, the answer to this statement is false. जब भी हम अप्रूवल बेसिस पे कस्टमर को गुड्स बेचते हैं तो हम उसको सबसे पहले क्रेडिट सेल्स की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर कस्टमर ने गुड्स को वापस दे दिया तब तो सेल्स रिटर्न बन जाता है, अगर कस्टमर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तब तो कोई और अलग से एंट्री पास नहीं होती है, और अगर अनएक्सपायर्ड पीरियड है जिसको हम कहते हैं स्टॉक विद कस्टमर, तो हम सेल्स को रिवर्स करके स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री पास करते हैं। तो एक मार्क फॉल्स के लिए, एक मार्क करेक्ट रीजन के लिए। अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, absolutely true है। अगर section number पता है तो जरूर लिखिएगा। answer है इसका section 53। as per section 53 of Companies Act 2013, now companies cannot issue shares at discount except those shares which are defined under section 54, that is sweat equity share। sir अगर section number याद नहीं है तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in the cost of finished inventory. Answer to this statement is false. Inventory valuation का topic अगर आपने किया है तो उस topic के अंदर specifically जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसके अंदर पढ़ाया था कि inventory accounting standard 2, accounting standard 2 कहता है cost of an inventory excludes 4 things, चार चीजें exclude करता है, any abnormal item, storage cost, admin overheads, selling and distribution overheads, तो any type of go down rent, warehouse rent paid on inventory is excluded from the cost of inventory. नहीं भी पढ़ा है तो अब पढ़ लो, ध्यान रखो। A person holding preference shares of a company cannot hold the equity shares of the company. कहां से लेकर आया भाई ये सस्ता लॉजिक? ऐसा कोई रूल नहीं है। A person holding preference share can very well not just hold equity share, can also hold debentures of the company. ऐसा कोई रूल नहीं है। Business of partnership comes to an end on the death of a partner. फॉल्स, कहां पे लिखा है भाई साहब ये? देयर इज नो प्रोविजन इन द एंटायर एक्ट जहां पे ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द पार्टनरशिप इज कंटिन्यूड बाय द सर्वाइविंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स। हाँ, अब यहां पर एक केस ये हो सकता है कि अगर दो ही पार्टनर्स है ए और बी, और उसमें से अगर बी की डेथ हो जाती है तो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, बट दैट इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन एंड यू कैन नॉट मेक अ जनरल स्टेटमेंट आउट ऑफ इट। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक, द आंसर इज ट्रू। कैश बुक को लेकर एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में ध्यान रखना, कैश बुक इज नॉट जस्ट अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि द फॉर्मेट एंड द रूलिंग ऑफ कैश बुक इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ लेजर अकाउंट। तो वो कहने के लिए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है, पर वो प्राइमरी भी है और वो सेकेंडरी भी है। क्वेश्चन नंबर 1A खत्म होता है यहाँ पे, चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1B, डिस्कस द बेसिक कंसिडरेशन एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ फैक्टर्स आपको देने हैं, 5 फैक्टर्स आप यहाँ पे दे सकते हो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट दे सकते हो, डिस्कस कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप दे सकते हो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंट है तो कैपिटल, छोटा है तो रेवेन्यू। दूसरा आप दे सकते हो, ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा होता है, ठीक है। तीसरा टर्म ऑफ बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। चौथा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन ऑफ एन एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज एक्सपेंस्ड आउट, मतलब डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। एक पॉइंट मुझे और सोचने दीजिए। ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें आप, वैसे तो लिखने के लिए एक पॉइंट में एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, बट काफी वैल्यूअर्स उसको कंसिडर नहीं करते इसलिए मैं एग्जांपल नहीं लिखना चाहता हूँ। हाँ, रिपेयरिंग एंड ओवरऑलिंग। रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग दैट इज ओवरऑलिंग, सॉरी सिग्निफिकेंट रिपेयरिंग दैट इज ओवरऑलिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल रिपेयरिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 4 मार्क के लिए तो आईडियली 4 पॉइंट्स भी लिखे तो बहुत है, बट यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा प्रोविजन के लिए 5 पॉइंट लेके आइएगा।
क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क का क्वेश्चन। तो पेपर का फॉर्मेट आप देख रहे हो, तीसरा पेपर हम कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। क्वेश्चन 1A ट्रू और फॉल्स 12 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 1B छोटा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है 4 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 1C 4 मार्क का स्मॉल क्वेश्चन। नाउ हियर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। करते हैं कैलकुलेट। चलिए कम टू योर रजिस्टर्स, आज की डेट लिख दीजिएगा। आज की डेट क्या है? 17th of October। October 2023 हम लोग देख रहे हैं, चालू कर रहे हैं जुलाई 21 PYQ क्वेश्चन नंबर 1C डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग नाउ द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑन 1st अप्रैल 2020 वाज 28,54,000 टोटल बैलेंस। Out of this, a plant having a book value of 2,16,000 on 1st April 2020 was sold on 1st July 2020 for 82,000. On the same date, new plant for 4,58,000 and 22,000 was purchased for 458 and 22,000 was spent on its erection. Okay. On 1st November 2020, a new machine was purchased for rupees 5,60,000. Depreciation is written off. भाई साहब, तो opening जो हमारे पास assets है, उसमें से एक एसेट में बेच रहा हूं और एक एसेट में कंटिन्यू कर रहा हूं, तो वहां पे होगी 2 एसेट्स बराबर। उसके बाद एक एसेट में खरीद रहा हूं 4,58,000 की, उस पे 22,000 का डेप्रिसिएशन, 3 एसेट। और एक और मशीनरी में नवंबर में खरीद रहा हूं, 4 मशीनरी। तो पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम इस तरीके का एक फॉर्मेट में बना लेता हूं। बहुत बढ़िया। सर ये ऐसा क्यों बना? रुक जाओ, सबर करो। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट में से एसेट जो आपने बेच दिए, एसेट सोल्ड, और एसेट्स इन बैलेंस। फिर एक एसेट आपने खरीदी है 1st जुलाई 2020 को, परचेस्ड ऑन 1st जुलाई 2020, परचेस्ड ऑन 1st नवंबर 2020, 1st नवंबर 2020। सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, एसेट की कॉस्ट। अब समझना, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1st अप्रैल 2020 वाज 28,54,000 टोटल, जिसमें से एक प्लांट जिसकी बुक वैल्यू थी 2,16,000, इट वाज सोल्ड। तो जो प्लांट आपने बेचा है उसकी वैल्यू है 2,16,000, और टोटल ओपनिंग एसेट से 28,54,000 माइनस 2,16,000, दैट मींस व्हाट इज द cost price, or I should say WDV of the remaining assets which are in balance, 26,38,000. Check all of you. मैं फिर से repeat करता हूँ, हमने क्या किया, जो opening balance था plant and machinery account का 28,54,000 दोस्तों, उसको हमने split कर दिया, distribute कर दिया, क्योंकि उसमें से एक portion हमने बेच दिया है। तो जो portion हमने बेचा है उसकी book value है 2,16,000 on 1st April 2020, बराबर है। और बाकी की बुक वैल्यू जो होगी वो 28,54,000 माइनस 2,16,000, दैट विल बी 26,38,000। चेक ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब ये जो एसेट है 2,16,000 वाली, ये इसको हमने बेचा है, इट वाज सोल्ड ऑन 1st of July 2020। मेरे को क्या लेना देना भाई, मेरे को सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने का है, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर 2020-21। अब जो एसेट मैंने बेची है, ये मैंने कब बेची है मेरे दोस्त, इसको मैंने बेचा है 1st जुलाई को, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने मैंने इसको यूज किया है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% और मेथड है WDV मेथड।
216,000 पे 15% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स. चेक ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज 8,100 रुपीज? चेक ऑल ऑफ यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन. जो 26,38,000 के रिमेनिंग एसेट्स है उस पर मैं पूरे के पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा. 26,38,000 इंटू 15% 395,700 आ रहा है क्या? चेक करिएगा, 395,700 पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन. फिर मैंने 1 जुलाई को नई मशीन खरीदी है फॉर 4,58,000 एंड आई हैव इनकर्ड 22,000 ऑन इरेक्शन. कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन. क्या बोले? कॉस्ट ऑफ एन एसेट मींस एंड इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग एन एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन. तो ये एसेट की कॉस्ट में इरेक्शन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट एड होता है. अब ये एसेट हमने खरीदा 1 जुलाई को और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च तक. मतलब कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का. तो 4,80,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इट कमिंग टू रुपीज 54,000. चेक ऑल ऑफ यू. और लास्ट, मैंने 1 नवंबर को एक नई मशीन खरीदी है फॉर रुपीज 5,60,000. 5,60,000 1 नवंबर. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. How many months of depreciation do I need to provide? 5 months of depreciation. So 5,60,000 into 15% divided by 12 multiplied by 5. Is it coming to rupees 35,000? Check all of you. Ho gaya question. Bas ab total lene ka hai. Chala chala ki maa aage pude un basa ki laukar. चारों की टोटल मैं लेता हूं 492,800. चेक ऑल ऑफ 4,92,800 खत्म. 4 मार्क जेब में. देखो यार, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है बट दैट्स ओके. हमें कौन सा जाकर बकरियां चरानी है भाई. अगर क्वेश्चन आ रहा है, पूरा सही आ रहा है, तो 2-5 मिनट ज्यादा लगे तो क्या हरकत है भाई. 4 मार्क मिल रहे हैं ना पूरे. सोचो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. वाओ. सो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म. बड़ा सुकून मिलता है ना टिक मार्क करते समय. क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है. मिस्टर रतन वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर. कुछ की वर्ड्स पकड़िएगा. लास्ट ईयर, दैट ईयर, पीएनएल अकाउंट बन चुका है. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन द ओल्ड बुक्स ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त. 10 मार्क का क्वेश्चन है. क्या मैं कह सकता हूँ, स्टेज 3 का क्वेश्चन है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये टॉपिक में 3 स्टेजेस में हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं. पहला होता है स्टेज नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. फिर होता है स्टेज नंबर 2, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. और फिर होता है स्टेज नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने के बाद अगर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं तो उसमें एक चेंज होता है और वो चेंज ये होता है कि आप अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के अंदर जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करते हैं विद पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. किससे रिप्लेस करते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिप्लेस विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा एक चीज और याद रखना. अच्छा हुआ याद आ गया आपको, देख के मेरे को याद आया कि यहां पर हम लोगों को स्टेज 3 के एरर्स के अंदर वी हैव टू आल्सो
prepare the working note of PNL adjustment account and suspense account, and we have to transfer the balance of PNL adjustment and suspense account to the capital accounts. इस चीज का भी रखना है ध्यान. Now, एक एक करके शुरू करते हैं. मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बट गड़बड़ाना नहीं है और हड़बड़ाना भी नहीं. परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. आपने खरीदी एक फटपटी, आई एम सॉरी, स्कूटर, स्कूटर को आपने डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट में ₹30,000. मिस्टर रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर. आप चाहे तो इसकी दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं. कंबाइन कर लेते हैं. 30,000 का स्कूटर है, 30,000 के स्कूटर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब 30,000 माइनस 3,000, ये स्कूटर जो है ये कितने का पड़ा आपको, ₹27,000 का. तो 27,000 का जो स्कूटर था वो आपने गलती से डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट को. अब ये गलती को कैसे सुधारेंगे? कन्वेंस जो गलती से डेबिट हुआ है, कन्वेंस को करेंगे क्रेडिट. कन्वेंस जो गलती से डेबिट हुआ है, कन्वेंस को करेंगे क्रेडिट. और स्कूटर जो डेबिट होना चाहिए था और जो कि नहीं हुआ, स्कूटर को अब करेंगे डेबिट. मतलब यहां पर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी दोस्तों? कन्वेंस अकाउंट क्रेडिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट. रुक जाओ, अब यहां पर देखोगे स्कूटर अकाउंट तो रियल अकाउंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन कन्वेंस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो चेंज हो जाएगा. आइए अपने रजिस्टर्स में लिखिए क्वेश्चन नंबर 2A, फर्स्ट एंट्री, स्कूटर अकाउंट डेबिट 27,002. अब कन्वेंस की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? बिकॉज कन्वेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, हम यूज करेंगे 2, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. 27,000 बीइंग एरर रेक्टिफाइड. Being error rectified. Check करिएगा. Being error rectified. Second number. Systematically. Purchase account was overcasted by ₹1,00,000. Purchase account overcasted. Overcasted का मतलब होता है ज्यादा total लेना. Purchase account की total ज्यादा हो गई है 10,000 से. Purchase को करेंगे credit. Suspense को करेंगे debit. क्योंकि purchase है nominal. तो PNL adjustment credit. तो suspense account debit to PNL adjustment account कितना? ₹1,00,000. Being overcasting error rectified. जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है, जिसका कोई होता है उसका सस्पेंस क्यों होता है? डन. नंबर 3, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹20,000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल. अच्छा ट्रांजेक्शन है, थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं. क्रेडिट परचेज फ्रॉम एक्स, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट. आई रिपीट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट. रॉन्ग एंट्री क्या है? इट इज ट्रीटेड एज सेल, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. मतलब दोस्तों यहां पर मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तहस नहस तो पूरा हो गया. करेंगे कैसे? परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, दिमाग में देखो, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. सेल्स अकाउंट जो कि गलती से क्रेडिट हुआ है उसको करेंगे डेबिट. तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट. एक्स को दो क्रेडिट होगा, डबल क्रेडिट होगा. अब अगर आप यहां पे इस एंट्री में चेक करते हैं तो परचेज भी नॉमिनल है, सेल्स भी नॉमिनल है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्रेडिट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. तो 20,000 एंड 20,000, 40,000.
बिंग एरर रेक्टिफाइड, चेक करिए, बिंग एरर रेक्टिफाइड। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, एक्स को करेंगे क्रेडिट, और सेल्स वाली एंट्री में गलती से एक्स को डेबिट कर दिया तो उसका भी क्रेडिट, तो एक्स को भी दो बार क्रेडिट, शाबाश। फोर्थ नंबर, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर दिवाकर चौधरी। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद, रॉन्ग एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू भास्कर अकाउंट क्रेडिट। अब क्या हुआ, कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा झोल हुआ है भास्कर के अकाउंट में, तो भास्कर को गलती से किया है क्रेडिट, किसकी जगह, आनंद की जगह, भास्कर को करेंगे डेबिट, आनंद को करेंगे क्रेडिट, पीएनएल सस्पेंस एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत नहीं है, भास्कर अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट क्रेडिट 10,000। बींग एरर रेक्टिफाइड। नंबर फाइव, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज 5,000। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर चंदू, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट क्रेडिट, बराबर है। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, कैश अकाउंट मां काई प्रॉब्लम नथी, समझी गयू मोटा भाई, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, चंदू भी डेबिट हुआ, शाबाश। अब क्या करेंगे, कैश को मत छेड़ो, चंदू को एक बार क्रेडिट करेंगे तो मिस्टेक सुधरेगी, चंदू को एक और बार क्रेडिट करेंगे तो एक्चुअल क्रेडिट होगा, तो चंदू को दो बार क्रेडिट और सस्पेंस को डेबिट, तो एंट्री हो गई आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000 एंड 5,000 10,000 टू चंदू अकाउंट 10,000। पिंक एरर रेक्टिफाइड, बिंग एरर रेक्टिफाइड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंदू अकाउंट क्रेडिट, चंदू को दो बार क्रेडिट करना है। रुपीज 5,000 ड्यू बाय मिस्टर रमेश वॉज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। रुपीज 5,000 ड्यू बाय मिस्टर अमेश, अमेश नहीं रमेश, सॉरी, या ए ओ, ऐसा लग रहा है ना गोलमाल का लकी हो तुषार कपूर, तो रमेश से 5,000 लेना है, रमेश हमारे हैं डेटर, डेटर का होता है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस के अकाउंट को हमने ओमिट कर दिया, मतलब रमेश को करेंगे डेबिट और सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट। ओके, टू मैं टीचर हूं, मैं नरेशंस नहीं लिखूंगा, आप बच्चा लोगा हो आप नरेशंस लिखोगे, फटाफट छापो रे नरेशन छापो। 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाब, 10 मार्क। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम रुपीज 20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, सो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की जगह पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ट्वेंटी थाउजेंड Being sales accounted. अरे मेरे को तो नरेशन नहीं लिखना था ना, मैंने क्यों लिख दिया नरेशन, मेरे को तो नहीं लिखना था,
why I wrote narration. Difficult. Number 8. Amount of 23950 of purchases was posted as 25930. कितने का difference है? 23950 minus 25930. 1980 रुपए का फर्क है. पहले तो amount निकालो. करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है? करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है? 23 अमाउंट ऑफ 23950 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 25930. मतलब ये वाला अमाउंट है करेक्ट और ये वाला अमाउंट है रॉन्ग. तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 23950 से, डेबिट हुआ 25930 से. एक्सेस डेबिट हुआ, परचेज जो एक्सेस डेबिट हुआ है 1980 से, परचेज को करेंगे क्रेडिट और सस्पेंस को करेंगे डेबिट. तो एंट्री क्या होगी इसकी, चेक करना. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1980 टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1980. हैंड बजी पड़ी है बिल्ली की, सो मेनी क्लासेस कांट टेल यू. अरे कचप पे चलती. अब हमें सस्पेंस का और पीएनएल का बैलेंस कैलकुलेट करके उसके अमाउंट्स को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में. वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, बट अभी के लिए मैं थ्योरेटिकली कर रहा हूँ. सो पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, जहां पे क्रेडिट हो रहा है माइनस करेंगे, डेबिट हो रहा है प्लस करेंगे. पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है, तीसरे में डेबिट हो रहा है, फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में कुछ नहीं है, सिक्स्थ में कुछ नहीं है, सेवन्थ में यू आर क्रेडिटिंग 20,000, एट्थ यू आर क्रेडिटिंग 1980. सो देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 108980. चेक ऑल ऑफ यू 108980. तो अब मैं इसको करूंगा डेबिट, मतलब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 108980. किसका कैपिटल अकाउंट है भाई, नाम दिया है क्या? राम श्याम घनश्याम रतन कैपिटल अकाउंट, टू रतन कैपिटल अकाउंट 108980 बिंग अमाउंट ट्रांसफर, बिंग अमाउंट ट्रांसफर. चेक ऑल ऑफ यू, 10 marks rectification of error. Rumba solid question. Similarly, suspense account. Debit hoga plus credit hoga minus. Entry number 1 kuch nahi. Entry number 2 mein debit ho raha hai 1 lakh. 3 mein kuch nahi hai. 4 mein kuch nahi hai. 5 mein debit ho raha hai 10,000. 6 mein credit ho raha hai 5,000. 7 mein nothing. 8th mein debit ho raha hai 1980. So there is a balance of 106980. Check all of you. Debit balance of 106980. To ab hum isko karenge transfer. रतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 106980 टू सस्पेंस अकाउंट 106980 बिंग अमाउंट ट्रांसफर, बिंग अमाउंट ट्रांसफर खत्म. 10 में से 10 मार्क, 10 जर्नल एंट्रीज, 1 मार्क ईच, 10 मार्क का क्वेश्चन. ट्रैकर अपडेट कर देता हूँ भाई फटाफट, बड़ी खुशी होती है मेरे को ट्रैकर अपडेट करने में. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दोनों ही कर देंगे ना. क्वेश्चन नंबर 2 ए हमारा हो चुका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, 10 मार्क्स का इजी क्वेश्चन, 10 मार्क जे में. क्वेश्चन नंबर 2 बी, अच्छा 2 बी है बैंक रिकंसिलिएशन. नहीं, ascertain the cash book balance of this bank reconciliation का statement है. question number 2c, अच्छा 2b और c अभी कर लेंगे, ठीक है. homework decide करते पहले, थोड़ा सुकून मिलता है homeworks देने के बाद. company accounts करोगे, company account करोगे,
कंपनी अकाउंट करोगे कंपनी अकाउंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6A होमवर्क कर लो लेक्चर नंबर 10 का, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6A, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1 और 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6A, कंपनी अकाउंट का कर लो, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2B, एथे क्वेश्चन नंबर 2B ऐसा करेंगे, ऐसा अभी देखो 5 मिनट में अभी बताता हूँ, अभी 5 मिनट में अभी करवाता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज एज ऑन 31st March 2021। सर क्या ये क्वेश्चन मेथड नंबर 2 का क्वेश्चन है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट मेथड नंबर 2 क्वेश्चन। हाइला ये कैसे पता चला आपको, ये कैसे पता चला मैं आपको बताता हूँ भाई साहब। मेथड नंबर 2 के क्वेश्चंस दो तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। एक, जब क्वेश्चन खुद कहता है कि प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग ब्लाह। दूसरा तरीका ये होता है मेरे दोस्त कि अगर क्वेश्चन होता है ईयर एंडिंग डेट का, जैसे कि यहां पर है और अगर स्टार्टिंग बैलेंस हो बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग बैलेंस है बैलेंस एज पर कैश बुक। Therefore, it is not method number 2 question. It is method number 1 question. Now understand. Debit balance as per passbook. What do you mean by debit balance as per passbook? Overdraft as per passbook. 3500. Passbook overdraft I always consider as a positive figure because आपको मैं नेचर जानते हो, मैं बड़ा पॉजिटिव टाइप का आदमी हूँ, तो आप तो मैं नेचर जानते हो, मैं पॉजिटिव बैलेंस लेकर ही सॉल्व करता हूँ। A check amounting to 2500 deposited on 15 March but the same was returned by the bank on 24th March for which no entry was passed in the cash book. Check return aaya hai, overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. Check return aaya hai to kya hoga? Passbook mein overdraft badh jayega. Cash book ka overdraft kam hai. Starting point passbook, ending point cash book. To hum kya karenge? Less karenge 2500 rupees ko. Check kariyega. During March, two bills of 2500 and 500 were collected by bank. Collected by bank मतलब bank में पैसा आया है. Overdraft as per cash book, overdraft as per passbook. Bank में पैसा आया है, bank ने collect किया है, तो passbook के अंदर overdraft कम हो जाएगा. 2500 और 500, 3000 से overdraft कम हो जाएगा. Cash book का overdraft सादा है. Starting point passbook, ending point cash book. हम क्या करेंगे? Add करेंगे 3000 rupees. A bill for rupees 5000 due from Mr. Balaji previously discounted for rupees 4800 dishonored. The bank debited the amount but no entry was passed in the cash book. तो मेरे पास एक पुराना bill of exchange पड़ा है बालाजी का. बालाजी है drawee, मैं हूँ drawer. मैंने वो bill bank में discount किया था कहीं किसी रोज 4800 में, 200 रुपए discounting charges. अब due date आई, bill हो गया dishonor. बालाजी ने भाई साहब कुछ पैसे दिए नहीं, बैंक ने पूरे 5000 रुपए मेरे अकाउंट से डिडक्ट किए. एक चीज कभी भी ध्यान रखना, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो बैंक कंप्लीट पेमेंट डिडक्ट करेगा, द अमाउंट ऑफ द बिल 5000 रुपीस. बैंक ने 5000 रुपए डिडक्ट किया, क्या हुआ? पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट कम है. स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, एंडिंग पॉइंट कैशबुक. हम क्या करेंगे? लेस करेंगे. चेक करते चलिएगा सभी जने. बहुत बढ़िया. A check of 1500 was debited twice in cash book. You need to interpret this sentence. Debited in cash book. Debit in cash book का मतलब होता है receipt. Okay. Overdraft as per cash book. Overdraft as per passbook. आपने एक चेक जमा किया. कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हुआ, मतलब पासबुक में एक बार रिकॉर्ड हुआ, तो पासबुक में सिर्फ 1500 से ओवरड्राफ्ट कम हुआ है. कैश बुक में दो बार जमा किया तो 1500 और 1500. अ चेक ऑफ 1500 डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक. अच्छे से इंटरप्रेट कीजिएगा. 1500 का जो चेक है इट इज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक. क्या करेंगे आप इसका? थिंक अबाउट इट.
चेक ऑफ 1500 डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, चेक जो है इट वॉज डेबिटेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक के अंदर रिसीट जो है 1500 1500, पासबुक के अंदर एक ही बार 1500 स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक एंडिंग पॉइंट, कैश बुक क्या करेंगे लेस करेंगे 1500। भाई साहब कभी कभी ऐसे छोटे छोटे और इजी इजी ट्रांजेक्शन में भी ना अटक जाते हैं, दिमाग सही सिग्नल नहीं देता है। नेगेटिव 2500 आ रहा है क्या, चेक करना। अब इसका मतलब समझना, स्टार्टिंग बुक थी पासबुक, एंडिंग बुक गोज विदाउट सेइंग विल बी कैश बुक। स्टार्टिंग फिगर पॉजिटिव था जिसको हमने कंसिडर किया था ओवरड्राफ्ट, एंडिंग फिगर नेगेटिव है मतलब ओवरड्राफ्ट का उल्टा होगा फेवरेबल बैलेंस। तो आंसर है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 2500, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया, माँ कसम अंदर ऐसी ना एकदम आग लगती है कि भाई साहब फाड़ देंगे, चक दे पट्टे उल्लू दे पट्टे पहाते बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ओके, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड सबसे ज्यादा काम की मेथड है, इंटरमीडिएट में भी काफी काम आती है। और आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, परचेजेस दिए हैं, सेल दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है बट इट इज गिवन एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए आइए अपने रजिस्टर में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2C, हम इसके लिए क्या बनाएंगे, किसको बनाएंगे, एक छोटा सा 4 से 5 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देख रहे हो लाइन मारने में महारत है हमारे। हाँ, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट ओके, चेक करिएगा, परचेजेस दिए हैं 5 लाख, सेल से 7,50,000। टू परचेजेस 5 लाख बाय सेल्स 7,50,000। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मत लिखना, क्यों सर, बता रहा हूं ना मैं, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एट सेलिंग प्राइस एंड वी वॉन्ट क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। और यहां पर एक और फिगर मिसिंग है और वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेबिट में भी एक फिगर मिसिंग है, क्रेडिट में भी एक फिगर मिसिंग है। इस मिस्ट्री को करेंगे कैसे सॉल्व, अब भी बताता हूं, अब भी बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि तास है तो आस है। लेट अस अज्यूम, सर एक्स आएगा क्या, एक्स मार खाओगे, मम्मी को बुलाऊं, एक्स आएगा हट। लेट अस अज्यूम दैट ऑल दी गुड्स परचेज्ड आर सोल्ड, सपोज जितने भी गुड्स हमने खरीदे और वो अगर हम बेच देते हैं तो क्या होता था, तो टोटल सेल्स होता था मेरा कितना, 7,50,000 तो मेरा एक्चुअल सेल्स है, प्लस कुछ गुड्स जो अभी नहीं बिके हैं जिसको हम कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 लाख, मतलब है 8,50,000, है ना। सो टोटल सेल्स वुड हैव बीन 8,50,000 माइनस टोटल परचेजेस, जो गुड्स मैंने खरीदे हैं उसकी परचेज कॉस्ट कितनी है बेटा जी, 5 लाख रुपीस है। तो अगर मैं सारे के सारे गुड्स बेच देता था, ये 1 लाख रुपए के गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं बचते थे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता था, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता था 3,50,000 रुपीज। और मैं यहां पर निकालता था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन सेल्स, तो सेल्स पे मेरा जीपी रेशियो होता था 3,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 8,50,000 का सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, इज इट कमिंग 41.18%, 41.18%। तो अब अगर मेरे क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस है 1 लाख रुपीस,
और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मैं सिंपली 41.18% माइनस कर दूंगा, 1 लाख माइनस 41.18% राउंडिंग ऑफ में आंसर आएगा 58820, 58820, दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन, 8,08,820, कितने 8 है भाई, 8,08,820, 3,08,820, दैट्स ऑल। कभी कभी लगता है पंच पकवान है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, इसी के साथ आज का अपना ये अमेजिंग लेक्चर, लेक्चर नंबर 10 ऑफ RTP MTP PYQ बैच होता है यहाँ पे समाप्त। बहुत ही मजा आ गया, दिमाग ने कितना अच्छा शिफ्ट किया, अप्रिशिएट माई माइंड, योर माइंड, एवरीवन्स माइंड। हमने यहाँ पे रेक्टिफिकेशन किया, बैंक रिकंसिलेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने आज के लेक्चर में 4 टॉपिक्स कवर किए हैं, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिफाइन करना है। पहले क्वेश्चन 1 सी डेप्रिसिएशन किया, फिर रेक्टिफिकेशन किया, फिर बैंक रिकंसिलेशन किया और फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया। अब आपका है काम, क्या है आपका काम, वीडियो खत्म होते ही आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आज का लेक्चर कैसा रहा। ऑब्वियसली आप मेरी तारीफ करोगे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वी लव यू तास, अंशुल सर, अंशुल सर आनमी, मुझे बता, नो ऑटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ्स, आई नो दैट, ठीक है। अब आते हैं काम की बात, इसके नीचे आप आज के चारों चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और चारों के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करेंगे आउट ऑफ 10। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन दीज टॉपिक्स एज ऑफ नाउ, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल करेक्ट, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कैसा लगा, तो ये आप डिफाइन करोगे 10 में से। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो 1, ज्यादा है तो 10 out of 10, तो जो भी है। सपोज डेप्रिसिएशन में सर मेरा कॉन्फिडेंस था 9 out of 10, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर 9 out of 10, बैंक रिकंसिलिएशन में 9 out of 10, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर 8 out of 10, एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर नीचे लिखोगे आप अपना नाम, अंशुल, मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ अंशुल अग्रवाल, और फिर अपने शहर का नाम लिखोगे, करेक्ट। तो ये रिचुअल है, इसको बनाना है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नालायक को जाने से पहले लाइक जरूर करना, अटेंडेंस मार्क करना। फिर से मुलाकात होगी कल से, कल के लेक्चर में। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। और क्वेश्चन नंबर 6 से होमवर्क जरूर करिएगा, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑल द बेस्ट।